नया तो बंद रहा करो नहीं कि शासन और प्रशासन इसको 100% COVID-19 घोषित करेंगे। इसलिए हमने सुबह से पहले से ही मन बना के रखा हुआ है कि शासन और प्रशासन इस प्रकार की जो शरारत जो इस प्रकार का बोलना चाहिए, इधर सरकार जो है जो ओछी हरकत से बाज आए। और हमारी मांग है कि पुखराज सनाब श्री तेजाराम इसकी COVID-19 की जांच एम्स में की जाए। ऐसा जब तक एम्स की जांच ऐसा नहीं आए ऐसा तब तक हम अपना अगला निर्णय कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने अपने जो बोलते अधिकारों का गलत उपयोग किया है। वो जब जिसको चाहे वो कोविड पॉजिटिव घोषित कर देते हैं। इसलिए मेरी सरकार से मांग है और आप सभी पत्रकारों के माध्यम से मेरी मांग रहेगी, आपसे मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि इसकी जांच COVID-19 की एम्स अस्पताल के अंदर होनी चाहिए। एम्स अस्पताल ऑलरेडी जोधपुर में उपलब्ध है, वहां कोविड जांच की सुविधा है। इसलिए मेरा सबसे आपसे आग्रह रहेगा कि सरकार इस प्रकार की जो घिनौनी हरकत है वो नहीं करे। बहराराम जी, अभी जो चीजें सामने आ रही है, पुलिस ने धारा 304 में जो किसान महापड़ा में बैठे हैं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है कि वही बुखराज की हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से दोषी है, क्योंकि उन्होंने महामारी एक्ट की पालना नहीं की। देखिए, यदि इस प्रकार का यदि मुकदमा दर्ज करे फिर मुझे जो है माननीय कोर्ट का मुझे यदि शरण लेनी पड़ेगी। और कुछ दिनों पहले ऐसा टोंक के अंदर ऐसा हजारों की संख्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां भीड़ इकट्ठी कर रखी थी, झुंझुनू के अंदर कर रखी थी। सचिन पायलट साहब जब दिल्ली से वापस आ रहे थे तो ऐसा सैकड़ों की यदि संख्या के अंदर यदि उनकी स्वागत सभा के अंदर थे। राजभवन के अंदर प्रत्येक MLA वहां धरने पे बैठा था। राजस्थान के प्रत्येक विधायक के खिलाफ जो कांग्रेस का विधायक है जिसने राजभवन में धरना दिया, उनके प्रत्येक विधायक के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। फिर 304 के अंदर वो हमारे किसानों के ऊपर ही 304 क्यों लग रही है, इन सभी विधायकों के ऊपर भी 304 लगनी चाहिए। अच्छा, जब तक एम्स से रिपोर्ट नहीं आएगी वो बॉडी नहीं उठाएंगे? नहीं, अच्छा जब तक एम्स से कोई रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम अपनी बॉडी नहीं उठाएंगे। क्यों? कि इस प्रकार से गलत जो तथ्य देखे और ऐसा सरकार अपने अधिकारों का गलत प्रयोग कर रही है और ये कतई हम उचित नहीं समझ रहे। ऐसा है, हमें अभी हमें यहाँ बैठ के डट के एम्स की रिपोर्ट का हमें इंतजार करें। ठीक, ओके।